नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध लाइव। डॉक्टर को धरती पर दूसरा भगवान कहा जाता है, जिसका काम मरीजों की जान बचाना होता है। लेकिन यही डॉक्टर मरीजों के साथ गुंडागर्दी करने लगे तो मरीजों की जान किसके भरोसे बचेगी? ऐसा ही एक मामला गया शहर के शुभ कामना हार्ट मैटरनिटी हॉस्पिटल सेंटर परिसर की है, जहां बुधवार की रात अस्पताल कर्मियों और मरीज और उसके परिजनों के बीच जमकर हंगामा हुआ। अस्पताल कर्मियों और डॉक्टर के खिलाफ महिला मरीज को धक्का देने और परिजनों के साथ जमकर मारपीट करने का आरोप है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जिस डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों को जिम्मेवारी मरीजों का जान बचाना है, वो किस तरह दबंगई करते दिख रहे हैं। गया शहर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की रहने वाली 50 वर्षीय पूनम सिंह किडनी पेशेंट हैं, जिनका इलाज शुभकामना हर्ट हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर में विगत कई महीनों से चल रहा है। बुधवार की रात पूनम सिंह डायलिसिस कराने शुभकामना हार्ट अस्पताल पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ उनका बेटा कुमार कार्तिक, जेठानी अंजू सिंह और कुमार राघव मौजूद था। अंजू सिंह का कहना है कि जेठानी को लेकर शुभकामना अस्पताल पहुंचे तो उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। इस पर डॉक्टर से अनुरोध किया कि इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर उनकी जांच और इलाज किया जाए। वहीं डॉक्टर चुनमुन कुमार ने मेरी जेठानी पूनम सिंह को धक्का दे दिया, जिसके कारण व्हील चेयर पर बैठी मेरी जेठानी गिरते गिरते किसी तरह बच गई। इसी बात का विरोध करने पर मेरे नाबालिग बेटे 13 वर्षीय कुमार राघव और भतीजे कुमार कार्तिक को अस्पताल के कर्मचारी जेठानी का डायलिसिस कराने हम लोग शुभकामना हॉस्पिटल में गए थे, जहां पर डायलिसिस सेंटर वाले ने बोला था कि आप लोग 9 बजे का टाइम था, तो वो बोला कि आप लोग जल्दी 8 बजे तक आ जाइएगा और उनका RFT LFT टेस्ट करवा लीजिएगा हेमोग्लोबिन का। उसके लिए हम लोग इमरजेंसी में ले गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हम लोग बोले कि इनको आप लेटा के और टेस्ट वगैरह ले लीजिए। वहाँ का जो डॉक्टर था, अटेंडिंग डॉक्टर, वो बोला कि यहाँ पर नहीं लेटाएंगे और टेस्ट वगैरह यहाँ नहीं होगा, जाइए आप लोग यहाँ से निकलिए। तो हम बोले, मेरा भतीजा बोला कि इस तरह से बात मत कीजिए, बहुत पेशेंट सीरियस है, थोड़ा लेटा लीजिए, हम आ रहे हैं, डायलिसिस वाले से आपको बात करवा देंगे। तो वो बोला कि नहीं नहीं, ये सब नहीं होगा, निकलो, और धक्का मारने लगा इसकी मम्मी को। तो ये बोला कि ये इस तरह का व्यवहार नहीं कीजिए, आप लोग इस तरह क्यों बोल रहे हैं। तो बोला कि तू हमको सिखाएगा कि कैसे बात करना है, और पूरा उसको धकेलते हुए बाहर ले गया। बाहर ले जाके 5-6 लोग उन लोग मिल के मारने लगे, स्टाफ लोग और डॉक्टर मिल के। और उसके बाद मेरा छोटा बेटा आया, वॉशरूम से आ रहा था, वो देखा उसके बड़े भाई को मारते हुए, तो वो बीच बचाव किया, तो उसको भी मारे, पूरा शर्ट वगैरह फाड़ के उसको लात घूसों से इतना मारे बच्चे को। वो मैं गई दौड़ के बीच बचाव की, तभी मेरा बच्चे को छोड़े उन लोग, और मोबाइल और चेन उसका छीन लिए। और तब तक देखी कि बड़े वाले भतीजे को दौड़ा रहे हैं, तो मैं बाहर की ओर दौड़ी रोड की तरफ। तो बाहर जो रोड है वहाँ पर एक गाड़ी के बोनट पे उसको लेटा के उन लोग पूरा बॉक्सिंग से आँख में, चेहरे पर, छाती पर पूरा लात और मुक्के से मार रहे थे वो। तो मैं जाके बीच बचाव करने लगी तो मुझे भी चोट लगा पैर में, पैर में मेरा स्वेलिंग आ रखा है, अभी दवाई लगाया गया है उसमें। तो उन्होंने बोला मुझे कि आप हट जाइए। तो मैं बोली कि मेरे बच्चे लोग को मारा है, तुम लोग, इन लोगों का हम रिपोर्ट करेंगे। हम फिर थाना यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर तो आपसे भी हाथापाई किया उन्होंने? हाँ जी, मुझसे भी हाथापाई किया। और फिर जब उन लोग देखा कि वहाँ के पेशेंट लोगों के फैमिली लोग सब भीड़ लगाने लगे, तो उन लोग छोड़ के भागा फिर हम लोगों को। इस तरह का व्यवहार ये शुभकामना हॉस्पिटल के सब डॉक्टर स्टाफ करते हैं। और हम लोग तो कुछ ये हैं, हम लोगों के साथ जब ऐसा पढ़े लिखे लोगों के साथ कर रहा है, तो जो अनपढ़ गरीब लोग आते होंगे उनके साथ उन लोग का कैसा दुर्व्यवहार होता होगा। इसके लिए प्रशासन को कड़ा कदम उठाना चाहिए। और जहाँ पर रिहायशी मकान है वहाँ हॉस्पिटल खोल रखा है, और उसके बावजूद सारे नियम कानून को ताक पे रख के सिर्फ पैसे के बल पर इतना वो बॉक्सर पाला हुआ है वो डॉक्टर। वो आज तक बाउंसर हम हॉस्पिटल में नहीं देखे थे, बाउंसर लोग गुंडा रखा हुआ है वो, गुंडों से मेरे छोटे बच्चों को पिटवाया है। छोटा बेटा अभी 13.5 साल का है, DPS में पढ़ता है 9th क्लास में, उसको मारा उन लोगों ने, 5-5, 6-6 गुंडों ने मिलके। जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो गुंडागर्दी करते हैं वहाँ पे, और डॉक्टर। इस मामले में डॉक्टर, बाउंसर समेत 11 लोगों के खिलाफ
रामपुर थाने में पीड़ित परिजनों ने लिखित शिकायत दी है। इधर मामले में रामपुर पुलिस ने बुधवार की देर रात केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ चिकित्सक ने आनन फानन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने तथा अपने कर्मचारियों के ऊपर लगाए जा रहे आरोप को एक्सरे से खारिज करते हुए पीड़ित परिजनों पर ही हंगामा और तोड़फोड़ करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से पूरे घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सुरक्षा देने की मांग की है। बहरहाल इस हंगामे के बाद से शहर में चिकित्सक और उनके कर्मचारियों के प्रति लोगों में रोष देखा जा रहा है।